सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द माई एक्सप्लोरर चैनल। नेतोजी राव पालकर दोस्तों एक ऐसा नाम है जिन्हें प्रति शिवाजी मतलब दूसरे शिवाजी कहा जाता था। वो स्वराज्य के सरनौबत थे, फिर भी 9 साल तक स्वराज्य से दूर, अपने राजे अपने मावड़े अपनों से दूर रहे। दोस्तों औरंगजेब ने छल से उनका धर्मांतर किया और उनका नाम रखा मोहम्मद कुली खान। फिर वो 9 साल बाद स्वराज्य में आते हैं और शिवाजी महाराज उन्हें हिंदू धर्म में लेकर उनका फिर से नेतोजी पालकर नामकरण करते हैं। नेतोजी राव पालकर जी को प्रति शिवाजी क्यों कहा जाता था, वो औरंगजेब के हाथ कैसे लगे, उन्होंने अपना धर्म क्यों बदला, वो स्वराज्य में शिवाजी महाराज के पास कैसे आए और क्यों आए, इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखना। नेतोजी राव पालकर पुणे जिले के शिरूर गांव के रहने वाले थे और उन्होंने स्वराज्य के लिए अनेक युद्ध में अपना डंका बजाया था, लेकिन ऐतिहासिक पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी महाराज, मिर्जा राजे जयसिंह, किलेर खान और खुद नेतोजी राव पालकर इन्होंने मिलकर विजापुर पर हमला किया, लेकिन चारों को भी हार का सामना करना पड़ा और इस हार का जिम्मेदार दिलेर खान शिवाजी महाराज को ठहराने लगा। दोस्तों फिर शिवाजी महाराज विजापुर वालों का पन्हाड़गढ़ जीतने के लिए वापस विजापुर से पन्हाड़गढ़ आए। महाराज को लगा था रात में किले पर हमला करेंगे क्योंकि किलेदार नींद में होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और किलेदार सतर्क था। शिवाजी महाराज ने नेतोजी राव पालकर को बोला था कि आप हमें अपनी सेना की टुकड़ी के साथ आकर मिलेंगे, लेकिन नेतोजी राव समय पर आ न सके और महाराज को एक और हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में स्वराज्य के 1000 के आसपास मावड़े मारे गए थे। इस वजह से महाराज ने नेतोजी राव को पत्र लिखा और पत्र में लिखा समयास कैसे पावला नहीं और उनको बर्तरफ किया। दोस्तों ये शिवाजी महाराज के राजकारण का एक हिस्सा हो सकता है, ऐसा कई इतिहासकार मानते हैं। दोस्तों अब नेतोजी राव विजापुर वालों से जाकर मिले। अब महाराज आगरा के लिए निकल चुके थे, इतने में ही मिर्जा राजे ने नेतोजी राव को मुगलों के साथ आने के लिए उन्हें मना लिया। दोस्तों अब शिवाजी महाराज आगरा कैद से निकल चुके थे और औरंगजेब नहीं चाहता था कि शिवाजी छूटा है, प्रति शिवाजी नहीं छूटना चाहिए। और हाँ दोस्तों, प्रति शिवाजी इसलिए कहा जाता था कि नेतोजी राव शिवाजी महाराज की तरह ही सोचते थे और उनके जैसे ही लड़ते थे। प्रति शिवाजी नहीं छूटना चाहिए इसलिए औरंगजेब ने 24 अक्टूबर 1666 को मिर्जा राजे के हाथों नेतोजी राव को कैद करवाया और उन्हें आगरा भेज दिया गया। पूरे 4 दिन तक छल करने के बाद उनका जबरदस्ती धर्मांतर किया। दोस्तों तारीख थी 27 मार्च 1667। नेतोजी राव हुए मोहम्मद कुली खान। नेतोजी राव को स्वराज्य से श्रीमंत छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के सामने औरंगजेब के कोई सरदार टिक नहीं पा रहे थे। अब औरंगजेब को याद आती है प्रति शिवाजी की, जो शिवाजी महाराज की तरह ही सोचता है, उनके युद्ध कौशल को भली भांति समझता है। फिर उसने मोहम्मद कुली खान को दिलेर खान के साथ स्वराज्य पर हमला करने के लिए भेजा। 1676 में मोहम्मद कुली खान मुगली छावनी से भागकर रायगढ़ पहुंचते हैं और महाराज से मिलते हैं। उन्हें अपनी सारी दास्ता बताते हैं और अपनी सारी कहानी बताती है। महाराज ने उन्हें माफ करके 19 जून 1676 को उनका फिर से विधिवत हिंदू धर्म में प्रवेश करवाया। दोस्तों इसके बाद नेतोजी राव पालकर फिर से स्वराज्य के लिए काम करने लगे। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज, छत्रपति श्री संभाजी महाराज के साथ स्वराज्य के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी और अपनी आखिरी सांस स्वराज्य के लिए ही दी। नेतोजी राव का मृत्यु अभी के महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के हदगांव में हुआ था और उनकी समाधि तामसा, तालुका हदगांव और जिला नांदेड़ में है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।